औरत को दर्द नहीं होता। ये कहानी रिया की है, जो कि एक बड़ी बिजनेस वुमन है। उसको किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए अपने काम से बढ़कर कुछ नहीं। ये क्या बना रखा है, ये खिलाओगे तुम उनको? माफ करना छोटी मालकिन, मैं फिर से बना देता हूँ। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो इन पर इतनी सुबह सुबह? अब क्या कर दिया इन्होंने? मम्मी जी, अभी दोपहर को मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, और इनका खाना ऐसा है बेस्वाद, अगर ये खाएंगे तो क्या सोचेंगे? इनको अभी के अभी नौकरी से निकाल दो। मुझे ऐसे लोग काम पर नहीं चाहिए जिनको ठीक से काम करना नहीं आता। अरे लेकिन बहू, ये बहुत सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे निकाल दे? मेम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं अच्छे से काम करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, जल्दी से कोई नया शेफ ढूंढ कर लाओ। अगले दिन ऑफिस में, ये सब क्या है, अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ है? मैम वो क्या, किसको दिया था मैंने ये काम? उसको अभी मेरे सामने बुला कर लाओ। जी मैम। मैम वो सर्वर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। किसके, तुम्हारे या कंप्यूटर के? वो मैम बात यह है कि जितना वक्त तुम आज मुझे समझाने में जाया कर रहे हो ना, उतना वक्त अगर तुमने कल इस काम को करने में किया होता तो आज ये पूरा हो जाता। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मैम प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरी नौकरी चली गई तो? ये सब तुमको ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए था। मैम मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अभी पूरा करके लाता हूँ। ये जो मौका था, यही तुम्हारा आखिरी मौका था जो तुमने गंवा दिया। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरी कंपनी में तुम जैसे कामचोरों के लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हें इस नौकरी से निकाला जाता है। शाम को घर पर, मैंने सुना आज तुमने फिर किसी को नौकरी से निकाल दिया। अरे हमारी पॉलिसी है ना, हमारी कंपनी लोगों के इमोशंस का भी ध्यान रखती है। इमोशन विमोशन कुछ नहीं होता, कमजोर होते हैं वो लोग जो ऐसे काम करते हैं। और नौकरी से निकाल दिया तो इस पे कोई नई बात नहीं, जिस तरह घर को साफ करने के लिए गंदगी बाहर फेंकनी पड़ती है, उसी तरह कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए यूजलेस लोगों को कंपनी से बाहर निकालना पड़ेगा। तुम लोगों की तुलना गंदगी से कैसे कर सकती हो? जिस स्पीड से तुम लोगों को निकालती हो, मुझे डर है कि किसी दिन कंपनी के सभी लोग ही ना निकल जाए। फिक्र मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए लोग तरसते हैं, जिनको नौकरी लग जाए वो खुशी से पागल हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी कभी खाली हो ही नहीं सकती। वैसे भी मुझे किसी की इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहू, तेरे स्वभाव को देखकर लगता है कि जरूर खाली होगी। अरे बहू, लोगों को दर्द होता है तो ये क्यों नहीं समझ पाती है? मम्मी जी, आप कब आई? आपको क्यों ऐसा लगता है? दर्द वर्द कुछ नहीं होता, कम से कम मैंने तो इस दर्द नाम की चिड़िया को कभी फील ही नहीं किया। क्योंकि बहू तो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करती। दूसरे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, किसी की परवाह नहीं करती। ऐसा नहीं होता बहू। तो मम्मी जी, आप कह रही हैं कि मैं दूसरों के पर्सनल कामों के लिए अपना काम रोक दूं और उनसे उनका दुखड़ा सुनूं? हाँ बताओ भाई, क्या हुआ? नो वे। नहीं बेटा, मेरा मतलब ये है कि तू बस एक गलती होने पर लोगों को काम से निकाल देती है, ये भी नहीं सोचती कि अगर उसे काम से निकाल दिया तो उसका घर कैसे चलेगा, वो अपने बच्चों की फीस कैसे भरेगा। मम्मी जी, आपका मतलब है वो कितनी भी गलती करे मैं उनको माफ कर दूं और वापस ले आऊं? मम्मी जी, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं कंपनी नहीं खुलती, कोई धर्मशाला खुलती, ताकि जिसका जब मन करे आए और जब मन करे जाए। माँ का वो मतलब नहीं है, माँ बस इतना बोल रही है कि अगर वो गलती करते हैं तो उनको डांट लिया करो, समझा दिया करो, लेकिन नौकरी से निकालना बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मम्मी जी, आपको भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन मैं इतनी बड़ी कंपनी ऐसे ही नहीं चला रही हूँ, ऐसे बहुत देखे मैंने और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि ये कैसे सुधरेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और आप प्लीज मेरे कामों में दखल मत दीजिए, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एक दिन अचानक से रिया की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रिया कंपनी की जरूरी मीटिंग छोड़ देती है। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है, तेरी तो बहुत जरूरी मीटिंग थी ना? मम्मी जी, आप ऐसे समय में मीटिंग की बात कैसे कर सकती हैं? और मेरी बेटी कहाँ है, क्या हुआ है उसको, डॉक्टर ने क्या कहा,
यूं अचानक से बेहोश कैसे हो गई? उसका बीपी लो हो गया था, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर गिर पड़ी, और उसको थोड़ा बुखार भी है। अच्छा हुआ, कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मैं तो डर ही गई थी। और बहू तेरी मीटिंग, उसका क्या हुआ? तुझे तो भारी नुकसान हो गया होगा। होने दीजिए मम्मी जी, मेरे लिए इस वक्त मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसी मीटिंग्स तो फिर आती रहेंगी। लेकिन बहू, कुछ दिनों पहले तुमने ही कहा था कि किसी के निजी काम के लिए तुम्हारा काम नहीं रुकेगा, तो फिर ये सब क्या है? मम्मी जी आपको क्या हो गया है, ये किसी का भी निजी काम नहीं है, ये मेरा अपना निजी काम है। वही तो बहू, जब तुम्हारा काम था तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई, और तुम चाहती हो कि दूसरों के घरों में कितनी भी परेशानी दिक्कत आ जाए वो उसको छोड़कर अपने काम को पहली ड्यूटी समझे। लेकिन वही चीज अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम अपनी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार की तरफ समझती हो, उसके बाद तुम्हारा काम। ये कैसी नाइंसाफी है, उनके साथ तुम करो तो ठीक और वो करे तो गलत। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, मैंने ये बात कभी समझी ही नहीं। अब तो समझ गई ना, अब से उनके साथ कुछ ऐसा मत करना, उनकी भी परेशानी समझने की कोशिश करना। हाँ मम्मी जी, अब मैं सब समझ गई हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद सही कहते हैं लोग, जब तक वही दर्द आप खुद ना झेलो तब तक आप दूसरे के दर्द का अनुमान नहीं लगा सकते। मुझे ये देखकर अच्छा लगा बेटा कि तुम्हें बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया।